ओके, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। और आज हम लोग जो 8 नंबर का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का कुछ भाग आप लोगों ने पहले से ही सीखा है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों में विशिष्ट जो संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कौन कौन से है आप लोगों को पहले कुछ लेक्चर में मालूम है। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसमें से कुछ जो अनुपात हमें 9th में दिए लगभग वो 6 अनुपात है, और उस 6 अनुपात में से हमें 9th में 3 अनुपात पढ़ने हैं। उसका नाम है साइन अनुपात और कॉस अनुपात, टैन अनुपात। साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टैन अनुपात, ये तीनों जो अनुपात है उन अनुपात के जो गुणधर्म हम लोग, उसके नियम हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो है साइन अनुपात, जिसको हम कहते हैं कोण की सम्मुख भुजा। साइन अनुपात जो होता है वो होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इसके लिए आपको एक ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, उसमें एक कोण 90 माप का होता है, और जो 90 माप का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और अगर हम लोग जहां पे थीटा एक्स और वाई जहां पे लिखेंगे उसके सामने वाली भुजा होती है कोण की सम्मुख भुजा, और दूसरी भुजा होती है संलग्न भुजा। तो साइन अनुपात सभी बच्चों को मालूम है, उसका फॉर्मूला है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये सभी बच्चों को मालूम है। दूसरा जो अनुपात है वो है कॉस अनुपात, और कॉस अनुपात जो है उसका फॉर्मूला है यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किया है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस का अनुपात का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो जो यहाँ पर हम लोग कोण के बारे में जब चर्चा करते हैं तब वो जो त्रिभुज रहता है, कोण रहता है, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज रहता है, और वो समकोण त्रिभुज में जो 90 माप वाला कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और फिर हम लोग साइन अनुपात और कॉस अनुपात वहां पे लिखते हैं। फिर आगे का जो तीसरा अनुपात दिया है हम लोगों को वो है टैन अनुपात। टैन अनुपात में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। जिस प्रकार टैन का फॉर्मूला सबको मालूम है, टैन थीटा या टैन अनुपात बराबर साइन अनुपात बटे कॉस अनुपात, साइन अनुपात बटे कॉस अनुपात। तो ये साइन का जो अनुपात है उसमें से सिर्फ आपको कोण की सम्मुख भुजा लेनी है और कोण की संलग्न भुजा कॉस अनुपात से लेनी है। ये जो दोनों कर्ण कर्ण है वो क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं, और इसीलिए टैन का जो अनुपात है वो टैन का अनुपात आता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। इस प्रकार से आप ये तीनों अनुपात जब ध्यान में रखेंगे तब जाके हम लोग क्या करेंगे, अगले उदाहरण हल करेंगे। तो ये तीनों अनुपात आपको मालूम है, ये तीनों अनुपात के फॉर्मूले आपको आते हैं, ये समझकर मैं अभी आगे जाता हूँ। आज हमें देखना है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 पेज नंबर है 113 और 113, और इस पर हमें दिया है उदाहरण 3, 4 और 5। ये तीन उदाहरण हमें क्या करने हैं, आज हमें हल करने हैं, उसको देखना है। तो चलो हम लोग वो उदाहरण देखते हैं, मैं अगली स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। ये है आपका तीसरा उदाहरण, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पेज नंबर है आपको 113, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8, और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 में पहला दूसरा उदाहरण ऑलरेडी हो चुका है, आज हमें देखना है तीसरा उदाहरण। तो तीसरा उदाहरण आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, और वो तीसरा उदाहरण मैं आप लोगों को अभी हल करवा के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका नाम है त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड,
इसमें कोण जो एक से वो 90 माप का दिया है, 90 माप का कोण दिया है। एक्स और जेड की जो लंबाई है वो 8 दी है, देखो यहाँ पे 8 दी है। वाई जेड की जो लंबाई है वो 17 दी है, यहां से लेकर यहां तक का अंतर 17 दिया है। तो हमें यहाँ पे 90 माप का कोण दिया है और एक भुजा 8 और एक भुजा 17 दी है। तो ये भुजा 8 और 17 दी है, इसके बारे में हम लोगों को अभी चर्चा करनी है। ये जो 90 माप का कोण दिया है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये कर्ण है। सामने वाली जो भुजा होती है जेड वाई या फिर वाई जेड वो कर्ण है और एक 90 माप का कोण हमें दिया है। मतलब ये क्या हो गया, ये जो भुजा दी गई है वो दोनों भुजाओं के सहायता से हमें तीसरी भुजा निकालनी है। अब कौन सी दो भुजा दी है, एक्स जेड हमें दिया है, देखो ये भुजा हमें, दूसरी वाई जेड हमें दी है जिसे हम कर्ण कहते हैं, ये भी भुजा हमें दी है। तो हमें ये जो समकोण त्रिभुज है एक को 90 माप का है, इसमें दो भुजा दी गई है और जब दो भुजा दी जाती है और वो समकोण त्रिभुज होता है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस के गुणधर्म द्वारा हम उसको निकालते हैं। समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में पाइथागोरस के प्रमेय से जब दो भुजा दी जाती है तीसरी भुजा निकालनी होती है, और वो त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज होता है तब हम उसको पाइथागोरस के प्रमेय से हल करते हैं और तीसरी भुजा निकालते हैं। ये आपकी तीसरी भुजा है एक्स वाई। तो जब आपको तीनों भुजा मालूम रहेगी, मालूम हो जाएगी, तब जाके हम क्या करेंगे, साइन अनुपात, कॉस अनुपात, टैन अनुपात, इनके मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वो बात की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, एक एक लाइन में आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले हल में क्या दिया है, समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में पाइथागोरस के प्रमेय से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग क्यों करना है, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें दो भुजा मालूम है, ये दोनों भुजा हमें मालूम। तब हम क्या करेंगे, तब हम तीसरी भुजा निकालेंगे और तीसरी भुजा निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस का गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस का गुणधर्म क्या है, पाइथागोरस का गुणधर्म है कर्ण वर्ग बराबर पहली भुजा और दूसरी भुजा का वर्ग, यानी अन्य दो भुजाओं का वर्ग का योगफल। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको दिया है जेड वाई कर्ण, ये देखिए जेड से लेकर वाई तक कर्ण दिया है, कर्ण का वर्ग बराबर एक्स जेड, ये मानो पहली भुजा है और ये है दूसरी भुजा। तो यहाँ पर एक्स जेड का वर्ग प्लस एक्स वाई का वर्ग यहाँ पे दिया है। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कर्ण वर्ग बराबर, यानी कर्ण आपका जेड वाई है इसलिए जेड वाई का वर्ग बराबर एक्स जेड का वर्ग प्लस एक्स वाई का वर्ग। अब जो वर्ग यहाँ पे लिखे है उसके मान हमें यहाँ पे क्या करने हैं, लिखने हैं। तो एक्स वाई जो है उसका मान 17 तुम्हें दिया है, कर्ण का मान 17, तो 17 का वर्ग हम वहां लिखेंगे। फिर एक्स जेड जो 8 दिया है उसका मान यहाँ लिखा है 8, और जो मान हमें ज्ञात करना है, जो भुजा हमें ज्ञात करनी हो, एक्स वाई का वर्ग। अब यहाँ पे आप सब बच्चों को वर्ग मालूम होने चाहिए, 1 से 25 तक वर्ग आपको आने ही चाहिए। तो 17 का वर्ग है 289, 17 का वर्ग यहाँ पे लिखा है 289, 8 का वर्ग है 64, और एक्स वाई का जो मान है हमें वो ज्ञात करना है, उसलिए उसे वैसे के वैसे रखा है। अब हम वर्ग लिखने के बाद क्या करेंगे, हमें एक्स वाई वर्ग का मान चाहिए, इसलिए ये जो 64 यहाँ पे दिए गए है उस 64 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो वो यहाँ प्लस है, उधर जाके वो माइनस हो गए। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स वाई वर्ग। तो यहाँ पर हमने पक्षांतर किया। अब घटाना है, 289 में से 64 को माइनस किया तो 225 आया। यहाँ पे देखिए 225 लिखा है, एक्स वाई वर्ग बराबर 225। और जिस प्रकार हमें वर्ग मालूम है, जैसे 15 का वर्ग है 225, तो 225 का वर्गमूल हुआ 15। तो यहाँ पे वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लिया एक्स वाई बराबर 15। तो यहाँ पर आपको ये जो भुजा दी है, अन्य भुजा जिसे हम कहते थे, वो भुजा हमारी कितनी आई, वो भुजा आई हमारी 15।
ये 15 हो गई, ये 8 है और ये 17 हो गई। तो जो अन्य जो भुजा है तीसरी वो हमने यहाँ पे ज्ञात की। तो एक्स वाई का मान हमें 15 यहाँ पे मिला है। अब एक्स वाई का मान 15 मिलने पर अब हमें क्या करना है, एक एक अनुपात हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, एक एक अनुपात हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये 8, 17 और ये 15 हो गया। अब हम पहले साइन वाई ज्ञात करेंगे, साइन वाई का अनुपात। यहाँ पे साइन वाई दिया है। अब साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, साइन का फॉर्मूला है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब उन्होंने वाई दिया है तो ये वाई लेना है, ये साइन वाई लेना है। अब जब इसे वाई साइन वाई लेंगे तो वाई के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ये देखो, ये सामने वाली भुजा हो गई वाई की, एक्स जेड, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्स जेड। और कर्ण कौन सा है, ये देखिए, ये कर्ण है 17 वाला, इसका नाम अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, कर्ण है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये कर्ण है आपका वाई जेड 8/17। साइन वाई का मतलब हो गया, या साइन वाई का मान आ गया 8/17। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे साइन वाई का मान आप ज्ञात करेंगे। साइन वाई का मान आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, वाई जहां पे लिखा है वहां साइन को लिखना है और फिर वहां पे साइन का फॉर्मूले का उपयोग करना है। जैसे साइन का फॉर्मूला है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, उस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इसे हल करना है। बहुत सिंपल है यहाँ पे। अभी मैं आपको अगली स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें अगले मान दिए, टैन वाई का मान दिया है, टैन वाई का मान यहाँ पे आपको दिया है। तो इस टैन वाई का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा क्या था, एक त्रिभुज में यहाँ पे भी निकलता हूँ तो आपके आपको समझ में आएगा। ये मानो ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा 17 है, ये 90 माप का है, यहाँ पर y नाम दिया है, ये तुम्हारा z है और ये तुम्हारा x है। ये जो भुजा है ये है 8 और ये जो भुजा ऊपर वाली आई है वो है 15। चलो अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब tan y का मान ज्ञात करना, ये देखिए tan y, तो हम वापस y के जगह पे tan रखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। कोण y की सम्मुख भुजा बटे कोण y की संलग्न भुजा। अब सम्मुख भुजा कौन सी है y की, ये देखिए x जेड, और संलग्न भुजा कौन सी है, संलग्न भुजा है एक्स वाई या वाई एक्स वाई की, क्योंकि ये 17 जो है वो कर्ण है। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्स जेड बटे वाई एक्स। तो आप नीचे मान लिख सकते tan y बराबर एक्स जेड का मान है 8 और इसका मान है 15। तो इसका आंसर हो गया tan y बराबर 8/15। tan का फॉर्मूला सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, किसकी, कोण y की। y के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो y की सम्मुख भुजा, जब हम z के बारे में चर्चा करेंगे तो z की सम्मुख भुजा लेनी है, लेकिन हम y ले रहे तो ये y का हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। तीसरा है साइन जेड, साइन जेड यहां पर, तो ये जो साइन जेड है उसका मान कितना आ गया, जेड की सम्मुख भुजा। अब जेड कौन सा, ये देखो, अब जेड यहां पे लिया है, जेड, जेड की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, एक्स वाई या फिर वाई एक्स। और साइन का फॉर्मूला क्या है, जेड की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये 17 तुम्हारा कर्ण है, 17 का जो कर्ण है उसका, उसकी जो भुजा वो दी वाई जेड दी है यहाँ, देखिए। तो कोण जेड की सम्मुख भुजा है एक्स वाई और कर्ण है वाई जेड, तो उसका जो आंसर आया है वो कितना है, 15/17। साइन जेड का जो मान आया है वो कितना है, क्योंकि हम जेड पे अब उंगली रख रहे, साइन हमारा, साइन जेड है हमारा यहाँ पे, तो वो 15/17 आया, क्योंकि जेड की सम्मुख भुजा है 15 वाई एक्स और जो कर्ण है वो है 17। तो इस प्रकार से साइन जेड का भी मान मिलता है। आगे हम देखेंगे कॉस जेड, पूछा जाएगा आपको कॉस जेड का मान निकालिए, तो कॉस जेड यानी जेड जहां पे वहां उंगली रखनी है और वहां पे कॉस का फॉर्मूला याद करना है। अब कॉस का फॉर्मूला क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण।
अब संलग्न भुजा कौन सी है, जेड़ की, ये तो 17 कर्ण हो गई, 15 जो है वो सम्मुख भुजा हो गई, तो ये जो 8 है एक्स जेड, ये देखो एक्स जेड है संलग्न भुजा, एक्स है संलग्न भुजा एक्स जेड, और ये संलग्न भुजा का मान है 8, मान रख दिया वहां पे, और संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कर्ण कौन सा है यहाँ पे 17 है, कर्ण का नाम है वाई जेड, तो यहाँ पे कॉस जेड का मान आया कोण जेड की संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा है एक्स जेड, कर्ण है वाई जेड, उन भुजाओं का पहले नाम लिखिए और फिर जो आंसर आपको दिया है, जो मान आपको दिया है वो आप वहां लिख सकते हैं, कॉस जेड बराबर 8/17। इस प्रकार से आप टेन वाई, साइन जेड, कॉस जेड, उसके बाद एक कॉस वाई, टेन वाई, ये सभी जो अनुपात हमें दिए है साइन कॉस टेन, इन सब के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो अनुपात हमें पूछा गया है वो टेन जेड, अब जेड पे वापस उंगली रखनी है और जेड के सम्मुख भुजा कौन सी है, एक्स वाई 15 वाली, ये सम्मुख भुजा है, और संलग्न भुजा कौन सी है 8, कर्ण का नाम नहीं है वहां पे, देखिए कोण जेड की सम्मुख भुजा है एक्स वाई, एक्स वाई उसकी भुजा है सम्मुख, ये देखो सम्मुख सामने वाली, सामने वाली भुजा उसकी सम्मुख भुजा है, तो इस एक्स वाई का जो मान है वो दिया है 15 और जो संलग्न भुजा है एक्स जेड उसका मान दिया है 8। तो पहले उदाहरण में यहाँ पर टेन जेड का जो अनुपात तुम्हें पूछा गया है उसका अनुपात आया 15/8। तो इसके बहुत सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ एक समकोण त्रिभुज ध्यान में रखना है और समकोण त्रिभुज में आपको पाइथागोरस के प्रमेय द्वारा कर्ण वर्ग बराबर दोनों अन्य भुजा, उसे पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा भी कह सकते हैं या फिर अन्य दो भुजाओं का वर्ग के योगफल के बराबर होता है, इस गुणधर्म का उपयोग करके आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 तुम्हें दिया था, 17 दिया था, 17 का वर्ग लिखा, 8 का वर्ग लिखा, उसको घटाया और फिर तुम्हें 15 मिला, 225 का वर्गमूल 15, और जब तुम्हें ये 15 मिल गया तब मात्र आप tan, sin, cos, z जो दिया है, आपको y दिया है तो y, z दिया है तो z, उसके साथ मान रखकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल उदाहरण यहाँ पे आपको दिया है। चलो अभी अगले स्क्रीन पर जाते हैं, ये आपका चौथा उदाहरण, ये आपका चौथा उदाहरण है पेज नंबर 113। सेम वही प्रकार यहाँ पे दिया है, समकोण त्रिभुज यल यम यन में, यहाँ पे कोण यन बराबर थीटा, यन का मान यहाँ पे थीटा दिया है, यम जो है वो 90 माप का है, देखिए यहाँ पे यम 90 माप का है, मतलब वो समकोण हो गए, कॉस थीटा का मान यहाँ पे दिया है वो है 24/25, 24/25 जो हमें यहाँ पे दिया गया, तो क्या हम लोग इसको हल करके 24/25 साइन थीटा टेन थीटा इस अनुपात का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, साइन थीटा का मान पूछा है, टेन थीटा का मान पूछा है, उसी प्रकार साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा का भी मान यहाँ पे पूछा है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 24/25 दिया है मतलब यहाँ पर आपको कॉस थीटा का मान दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब यन की संलग्न भुजा कौन सी है, ये वाली यमेन, यमेन यहाँ पे दिया है, और कर्ण कौन सा, ये कर्ण हो गया 90 माप का, तो यमेन बटे एलेन, तो ये भुजा आपको दी है यमेन बटे एलेन, तो मानो ये यमेन 24 है और एलेन कितने हैं 25, कर्ण तुम्हें 25 दिया गया है। अब एक भुजा मतलब एक कर्ण दिया है और एक भुजा दी है, जैसे पिछले उदाहरण में दिया था कर्ण दिया है भुजा दिए, तो अब हम अन्य जो भुजा एलेन है उसको ज्ञात करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग हम लोग करेंगे, समकोण त्रिभुज यल यम में पाइथागोरस के प्रमेय से
कर्ण वर्ग बराबर एलेन, यहाँ पे एलेन कर्ण है, दो भुजा हमें दी है, देखो ये दो भुजा हमें मिली है, यमेन और एलेन हमें मालूम है क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला है संलग्न भुजा बटे कर्ण, उसका उपयोग करके हम एलेन ज्ञात करेंगे। तो कर्ण वर्ग बराबर एलेन का वर्ग बराबर एल एम का वर्ग, ये भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग एमएन का वर्ग, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस का गुणधर्म लिखना है और इस पाइथागोरस के गुणधर्म से उसको यहाँ पे लिखना। चलो अभी अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, मान रखेंगे एलेन का मान 25 है। अब ये के क्या है, तो एक विशिष्ट अनुपात है, के यानी एक विशिष्ट अनुपात, उसको यहाँ पे के माना गया है। तो 25 के का वर्ग एल एम, वैसे के वैसे एम एन मालूम है तुम्हें 24 है, 25 का वर्ग 625, के का वर्ग के वर्ग एल एम 24 का वर्ग है 576, वर्ग आपको आने चाहिए 1 से 30 तक के वर्ग आपको आने चाहिए, यहाँ पे वर्ग किए। और वर्ग करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, ये वर्ग करने के बाद अब ये देखो यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 625 में से 576 को क्या करना है घटाना है, और आप जब उसको घटाएंगे तब आपको क्या हो जाएगा, वहां पे अन्य भुजा मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटाया उसको, बराबर है, ये घटाया। अब मैं उसका एक ट्रायंगल यहाँ पे निकालता हूं ताकि आपको समझ में आए। इस प्रकार की डायग्राम वो पिछले पेज पे थी, एल एम एन, ये एन है तुम्हारा, ये तुम्हारा 90 माप का है और ये तुम्हारा कर्ण। तो जब आप 625 में से 576 को घटाएंगे तब वहां पे 49 आएगा और 49 का वर्गमूल है 7। एल एम का मान आया आपका 7, बराबर है, ये तो आपका 24 और ये है आपका 25 जो cos थीटा का दिया था, और यहाँ पे थीटा लिखा है जो जहां पे उन्होंने cos थीटा दिया था वहां पे थीटा लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थीटा लिखते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमें पूछा है sin थीटा tan थीटा का मान पूछा है हमें, तो sin थीटा मतलब क्या, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, थीटा की सम्मुख, ये थीटा है तुम्हारा और थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी, एल एम, एल एम, एल एम बटे एल एन, एल एन तुम्हारा कर्ण है, 25 जो दिया है, देखो एल एम बटे एल एन, 7 के बटे, ये 7 के है, ये 25 के है, ये 24 के है, तो 7 बटे 25 लिखा है, के कैंसिल हुआ, 7 बटे 25 तुम्हारा आंसर आया। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला का उपयोग आप लोगों को करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो उसका आपको याद करना है। और इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप क्या करेंगे, एल एम बटे एल एन, 7 के बटे 25 के, तो के कैंसल हुआ, 7 बटे 25 आपका आंसर आया। अब आपको पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा पूछा है आपको, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं और अच्छे से एक डायग्राम यहाँ पे वापस निकालता हूं ताकि आपकी कोई गड़बड़ नहीं हो होनी चाहिए। ये त्रिभुज है एल एम और एन, ये तुम्हारा थीटा है, ये तुम्हारा 90 माप का, क्लियर हो गया। अब ये 7 के है, ये है 25 के और ये है 24 के। अब अच्छे से डायग्राम यहाँ पे, अब टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा मतलब यहां देखिए एन के बाजू में, कौन एन के पास, टेन थीटा पे उंगली रखेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अब आप जब थीटा पे उंगली रखेंगे तो सम्मुख भुजा कौन सी आई, सम्मुख भुजा आपकी हो गई एल एम, सामने वाली भुजा एल एम, ये देखिए एल एम। और फिर संलग्न भुजा कौन सी आई है, थीटा की संलग्न भुजा ये मैंने, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है ये 25 जो है वो कर्ण है 90 के सामने वाली, और फिर आप संलग्न जो भुजा है वो एम एन है उसको वो लिखेंगे। तो एल एम का मान है आपका 7 के,
तो यहाँ पे मान रखा 7 के, Mn का मान है 24 के, k यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है वो बाद में कैंसिल हो जाती है, स्थिर अनुपात उसे कहते हैं, के कैंसिल हुआ, आपका जो आंसर है tan थीटा का मान आया 7/24, 7/24 यहाँ पे आंसर आया। तो जिस प्रकार साइन थीटा का मान हमें मिला है 7/25, वैसे tan थीटा का मान आपको यहाँ पे मिला है 7/24। अब तो इस उदाहरण में आपको क्या दिया था, इस उदाहरण में आपको दिया था cos थीटा का मान, और cos थीटा का मान देने के बाद आपको दिया था 24/25, और 24/25 का उपयोग करके पाइथागोरस के प्रमेय से हमने अन्य भुजा जो है उसको निकाला और वही आई 7। तो तीनों भुजा मालूम होने के बाद हम लोगों ने साइन थीटा का मान ज्ञात किया, साइन थीटा का मान आया 7/25। अब हमने टेन थीटा का मान ज्ञात किया, 7/24 आया। अब दोनों मान ज्ञात करने के बाद हमें उदाहरण में और एक चीज पूछिए कि इसी प्रकार साइन वर्ग थीटा तथा कॉस वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन वर्ग थीटा और कॉस वर्ग थीटा हमें पूछा है। तो उसके लिए हमें साइन थीटा का मान मालूम होना चाहिए, साइन थीटा का मान दिया है 7/25। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन वर्ग थीटा, जो साइन थीटा का मान दिया है उसका वर्ग करना है, यहाँ पे बहुत सिंपल पूछा है। तो यहाँ पे आप साइन थीटा का मान लिखेंगे 7/25, वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग लिखना है, वर्ग लिखने के लिए भूलना नहीं है। अब हम उसका वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग आया 49, 25 का वर्ग आया 625। तो जो मान हमें पूछा है चौथे उदाहरण में साइन वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये साइन वर्ग थीटा का जो मान आया है वो आया 49/625। इसका हमें पहला आंसर मिल गया। अब हमें और क्या पूछा है उदाहरण में, उदाहरण में और एक चीज हमें पूछी है, वो है कॉस वर्ग थीटा। कॉस थीटा का मान तो हम लोगों ने हमें तो ऑलरेडी दिया था उदाहरण में, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप सामने उधर देख रहे हैं टेक्स्ट बुक को, तो कॉस थीटा का मान आपको दिया था 24/25। कॉस थीटा मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, कॉस थीटा का मान अपने को ऑलरेडी दिया था 24/25, उदाहरण में ही दिया था। अब सिर्फ उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस वर्ग थीटा बराबर 24/25। तो आपको वर्ग करने के लिए भूलना नहीं है, दोनों जगह पे वर्ग का चिन्ह दीजिए, और दोनों जगह पे वर्ग का चिन्ह देने के बाद यहाँ पे आया कॉस वर्ग थीटा, और कॉस वर्ग थीटा के बाद आएगा 24 का वर्ग आया 576, 576 वर्ग करना है। और अगर आपको कुछ डाउट आया तो वर्ग कैसे करते हैं, 24 × 24, साइड में 24 × 24 करना है, तो वो आपका 24 का वर्ग हो जाएगा। फिर 25 का वर्ग 25 × 25, 625, तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, 625 आया। तो इस प्रकार से क्या किया है हम लोगों ने, इस प्रकार से साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान ज्ञात किया, उसके बाद साइन वर्ग थीटा का मान ज्ञात किया, और कॉस वर्ग थीटा। तो ऐसे उदाहरण आपको 3 या 4 नंबर के लिए पेपर में पूछे जाते हैं, और इसके लिए इस प्रकार से विधि से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण एकदम सिंपल था, उदाहरण में सिर्फ हमें क्या दिया था हम लोगों को, मैं पीछे जाता हूँ एक बार वापस तुम्हें उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण में हमें एक चीज दी थी, वो चीज थी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इधर दिया है तो थीटा कॉस थीटा मतलब संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कॉस थीटा की संलग्न भुजा है 24, और ये उपकर्ण हो गया 25, क्योंकि 90 के सामने। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन गया है LMN, उसमें आपको यम को 90 माप का दिया था, 90 माप के सामने वाली
कर्ण होता है भुजा, और फिर आपको 24 और ये 25 मानना है। स्थिर अनुपात के लिए आप वाक्य लिख सकते हैं। और फिर पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से आपको क्या करना है, अन्य भुजा आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। LN का वर्ग बराबर LM का वर्ग प्लस MN का वर्ग। तो यहाँ पर LN का मान आपको दिया था 25, LM का मान आपको निकालना था है और MN का 24 है। तो ये 25 का वर्ग 625 हुआ, 24 का वर्ग 576 हुआ। फिर हमने उसको घटाया, उसका वर्गमूल निकाला, और वर्गमूल निकालने के बाद क्या हो गया, उसको हमने सॉल्व किया। तो ये था हमारा आज का चौथा उदाहरण। अभी हम आगे के एक उदाहरण जो बचा है उसके पास जाते हैं। उदाहरण है हमारा पांचवा उदाहरण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पेपर में हमेशा ये रिक्त स्थान आते हैं हमेशा आपको, और ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, उसके लिए हमें कौन से सूत्र का उपयोग करना है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां से ये बताता हूं। पहला दिया है साइन 20 बराबर कॉस कितना। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है साइन 20 बराबर कॉस, और यहां पे ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ पे हल भी करवा के दिया है। देखो नीचे कौन से फॉर्मूले का उपयोग किया है, फिर उसका आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे जानकारी वहां पे दी है। तो आपको भी किताब में पेज नंबर 117 पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में जो सत्य असत्य कथन पूछे उसमें भी वो चारों फॉर्मूले दिए है। उस चारों फॉर्मूले को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है उसको। तो चलो हम लोग अभी पहले करते हैं, कौन से फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे किया है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। फॉर्मूले का उपयोग कौन से किया है, देखो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान क्या लेना है, थीटा मतलब यहाँ पे 20 दिया है। देखो यहाँ पे 20, थीटा का मान हमें 20 दिया है। तो जहां तुम्हें थीटा दिखाई देगा वहां पे 20 लिखना है, तो साइन थीटा मतलब साइन 20 हो गया। देखो साइन 20 हो गया, बराबर का चिन्ह दिया है कॉस 90 माइनस थीटा। अब जहां थीटा दिखाई देगा वहां पे 20 लिखिए, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 20 दिया। तो जब 90 में से 20 जाता है तो उसका मान आता है 70। कितना आया, 70, 90 में से 20 गया 70 आया, 70 अंश। तो साइन 20 का जो मान होता है उतना ही मान कॉस 70 का होता है। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा का मान 20 दिया है तो 90 में से 20 को माइनस करो 70। अगर थीटा का मान 40 दिया रहता तो 90 में से 40 माइनस करते 50 आता। थीटा का मान 10 दिया रहता तो कॉस 90 माइनस 10 करके कॉस का माइनस 80 आता। तो जो मान है, तो जो पहला जो कोष्टक यहाँ पे रिक्त चौकट दिए वहां पे हमें लिखना है 70। ये आपको समझ में आया होगा कि पहले का जो आंसर है साइन 20 बराबर कॉस 70, यहाँ पे आपको 70 लिखना है 70। और वो 70 किस प्रकार से आया है, यहाँ नीचे उसका फॉर्मूला दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 20 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20 भी उसे कहते हैं, और उसका मान 70। अब उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण यहाँ पे देखिए टैन 30। यहाँ पे उदाहरण ऊपर दिया है टैन 30 गुना टैन, फिर एक कोष्टक दिया है और उसका एक, तो वहां पे कौन सा मान रखेंगे तब उसका मान एक आएगा। यहाँ पे आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है टैन थीटा फॉर्मूला कौन सा उपयोग लाना है उसको मैं यहाँ पे देखिए एक सर्कल बनाता हूं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, टैन थीटा बराबर टैन थीटा गुना टैन 90 माइनस थीटा। टैन में गड़बड़ नहीं करनी है, साइन थीटा का जैसे था साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा,
वैसे टेन थीटा में गड़बड़ी नहीं करनी है, टेन थीटा, टेन में क्या होता है, टेन थीटा गुने टेन 90 माइनस थीटा बराबर एक, ऐसा फॉर्मूला है वहां पे। अब थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे 30, तो जहां थीटा दिखाई देगा वहां 30 लिखना है, टेन 30 हो गया गुना टेन 90 माइनस 30, यहाँ पे वापस थीटा आया है उसका मान 30 लिखिए, 90 माइनस 30 हो गया। अब 90 माइनस 30 मतलब कितना हो गया, 90 में से 30 गया 60, तो यहाँ नीचे लिखा है टेन 30° गुना टेन 60, 90 माइनस 30 कितना हो गया, हो गया 60। तो यहाँ पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि टेन 30 गुना टेन 60 बराबर एक, तो यहाँ पर उसका मान वो आना चाहिए। तो अगर आप कोष्टक में देखेंगे ना पेज नंबर 109 पर, तो टेन 30 का मान कितना दिया है, एक करनी थी, देखो टेन 30 का मान है 1/1 करनी थी, गुना टेन 60 का मान कितना दिया है, करनी थी, तो यहाँ पे हम लोग उसका मान लिखेंगे करनी थी, ये दोनों दोनों कैंसल हो जाएंगे, कितना आंसर आएगा एक। तो आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाली एक विशेष सारणी, माप वाली सारणी दी है पेज नंबर 109 पर, वो आप देख सकते हैं, और वो मान यहाँ पर रखकर आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं, ये फॉर्मूला सही है या नहीं। यहाँ पे आप टेन 30 का मान करनी 1/3 करनी 3 रखिए, और टेन 60 का मान करनी 3 रखिए, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, वो सॉल्व होते हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, दूसरा उदाहरण हो गया यहाँ पे। अब पहला बॉक्स हो गया हमारा, पहले बॉक्स में आया था आंसर 70, दूसरे बॉक्स में अपना आंसर आया है 60, 60 आंसर आया है यहाँ पर टेन 60। अब तीसरे की ओर चलते हैं, तीसरा है कॉस 40 बराबर साइन कितना। जैसे ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है देखो एक नंबर पे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, उसी सेम उसी प्रकार से वाइस वर्सा जैसे उल्टा करना है उसको। उल्टा कैसे करना है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, जैसे पहले था साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है 40, तो यहाँ पे हम 40 रखेंगे, कॉस 40 साइन कोष्ठक में 90 माइनस थीटा, थीटा आया है तो 40 रखो, थीटा आया है तो 40 रखिए उसे, और जब हम उसको घटाएंगे 90 में से 40 गया तो आपका वो आएगा 50। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉस 40 का जितना मान है उतना ही साइन 50 का मान होता है, कॉस 40 का जितना मान होता है उतना ही साइन 50 का होता है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा कोष्टक था लास्ट का, उसका मान है 55, 50, 50 आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में कोष्टक में 50। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों उदाहरण, रिक्त स्थान की जो पूर्ति करने वाले वो तीनों उदाहरण को हल किया है, फॉर्मूला देखा है और उसका आंसर यहाँ पे हमने बनाया। अगर आप कॉलेज जैसे थीटा का मान 40 रखा है, थीटा का मान 30 रखेंगे तो साइन का मान कितना आएगा, 90 माइनस 30 मतलब 60 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से ये उदाहरण सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह जो है उसका पेज नंबर 113। आज हमें तीसरा चौथा और पांचवा उदाहरण हल करना था, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, और आपको क्या करना था ये उदाहरण वहां पे हल करने थे। तो ये उदाहरण आपको हल करवा के दिए मैंने, और उसके फॉर्मूला भी यहाँ पे बताए हैं, और उसके फॉर्मूले बताने के बाद किस प्रकार से आंसर आता है, कोई भी प्रश्न आने तो आपको ये फॉर्मूले के उपयोग करके आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो लेक्चर है हमारा, उसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 में तीसरा चौथा और पांचवा उदाहरण हमने देखा है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा सा रिविजन देता हूँ किस प्रकार से हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा साइन अनुपात, जिसका फॉर्मूला है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात
कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण और टैन अनुपात सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ये तीनों अनुपात और उसके फॉर्मूले जब आपको आएंगे तो आपको अच्छे से सॉल्व करने। फिर उसके बाद हमने पहला उदाहरण देखा था ये वाला समकोण त्रिभुज का, जिसमें एक्स वाई जेड समकोण त्रिभुज है, कोण एक्स 90 माप का है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण है और जब कर्ण और एक भुजा दी जाती है तब हम पाइथागोरस के प्रमेय से उसको सॉल्व करते हैं और ये अन्य भुजा हमारी 15 आई थी और 15 आने के बाद हम लोगों ने साइन वाई कॉस वाई टेन वाई साइन जेड कॉस जेड और टेन जेड ये 6 अनुपात हमें पूछे है, उन 6 अनुपातों के मान हम लोगों ने क्या किए सॉल्व किए साइन कॉस और टेन का। तो यहाँ पे एकदम सिंपल था, आपको सिर्फ साइन कॉस और टेन वाई के जो अनुपात होते हैं सम्मुख भुजा संलग्न भुजा कर्ण, इसको आप लोगों को क्या करना है ध्यान में रखना है और जब हम उसको ध्यान में रखेंगे तो वो अपने आप वापस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दिया था टेन वाई का मान सॉल्व करके दिया है, साइन जेड का दिया है, कॉस जेड का दिया है, टेन जेड का दिया है, 6 की 6 अनुपात यहाँ पे आपको दिए है, साइन कॉस टेन और साइन कॉस टेन का जेड अनुपात यहाँ पे पूछा था, ये भी आपको दिया। फिर उसके अगले उदाहरण में आपको ये त्रिभुज दिया था जिसमें कॉस थीटा का मान दिया था 24/25, यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे भी हम लोगों ने पाइथागोरस के प्रमेय से क्या किया वहां पे सॉल्व किया और जिस प्रकार से एक भुजा 24 और एक भुजा 25 हमें दी थी वो हम लोगों ने हल करके तीसरी भुजा निकाली 7 और फिर हम लोगों ने साइन थीटा टेन थीटा इसके जो अनुपात है उसको ज्ञात किया और उनके वर्ग के जो अनुपात हमें पूछे थे साइन वर्ग थीटा कॉस वर्ग थीटा वो भी हम लोगों ने क्या किए हल किए। तो इस प्रकार से और जो जैसे कि मैंने बताया आपको लास्ट का जो उदाहरण था ये इस प्रकार से हमने सॉल्व किया है और जो इस प्रकार के हमारा लास्ट का तारीख का स्थानों की पूर्ति करो ये भी आप लोगों को फॉर्मूले के साथ आपको बताया है और इसके बाद आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, बच्चों की कोई अगर डाउट है